जी जी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चे लोग कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, उसमें लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के, जो कि हमारा BSc या फिर 12th लेवल से रिलेटेड है, यानी BSc लेवल पे भी इसका उपयोग है और बच्चे यहाँ पर 12th लेवल में भी इसका उपयोग है। जो कार्बोहाइड्रेट का हमारा टॉपिक है BSc में भी है और 12th के पेपर में भी है। तो आज का फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर +D ग्लूकोज को हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहीं पे हम लोगों ने लेक्चर को स्टॉप किया था। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में +D ग्लूकोज से आगे बढ़ेंगे। बच्चे प्लस और डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो बच्चे प्लस है, ये प्लस जो बच्चे प्लस का निशान है, ये बच्चे क्या शो करता है? जो प्लस का हमारा निशान होगा बच्चे, ये हमारा दिखाता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बच्चे जो ये डी है हमारा डी नोमेनक्लेचर है। बच्चे डी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? पर डी नोमेनक्लेचर का मतलब यहाँ से बच्चे नीचे से यानी दूसरे कार्बन पे, बच्चे नीचे से ये वाला कार्बन जिस पे हमारा OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का मतलब बच्चे डिस्ट्रो यानी डी हमारा लग जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड में ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता बच्चे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमारा जो प्रेजेंट है बच्चे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो बच्चे क्या हो जाता है? हमारा येल हो जाता है यहाँ पर। तो बच्चे इस डी का मतलब होता है यानी सेकेंड कार्बन एटम बिलो, यानी प्रेजेंट OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड। तो बच्चे इसमें ये होगा राइट हैंड साइड में अगर ये वाला प्रेजेंट होगा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बच्चे हमारा डी हो जाएगा। और बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता तो हमारा एल हो जाता, और बच्चे प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चे अब इस कंडीशन में यहाँ पर तो बच्चे अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें यल की, अगर इसका हम बच्चे क्या करें, इसका हम अगर मिरर इमेज रख दें बच्चे, तो हमारा एल यानी प्लस एल ग्लूकोज आ जाएगा। और बच्चे अगर हम ये ऊपर से कार्बन की बात करें, अगर ये भी OH हमारा इस साइड में है, तो बच्चे इसे हम अल्फा बोलेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो बच्चे बीटा होता। तो बच्चे यहाँ पर ऊपर से भी दूसरा कार्बन, नीचे से भी दूसरा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का खेल है हमारा। तो बच्चे जो हमारा प्लस डी ग्लूकोज है ये कहाँ पर यूज होता है? तो बच्चे इसमें हम बात कर लें यानी इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। और बच्चा दूसरा पॉइंट हमारा ये प्लेज, यानी ये हमारा प्ले करता है प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। बच्चे हमारा जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है बच्चे लोग, यह बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा रोल दिखाता है प्लस डी ग्लूकोज। और बच्चे इसमें क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट, यानी बच्चे ये यहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमॉलिक्यूल, यानी मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमॉलिक्यूल्स। और बच्चे हमारा लास्ट पॉइंट है यानी ओमनीपोटेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, यानी ओमनीपोटेंट फ्यूल इन बायोलॉजी। यानी कहने का मतलब बच्चे जो हमारा इटिजा यानी पहले प्लस डी ग्लूकोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, और बच्चे प्रोमिनेंट रोल किसमें प्ले करता है? बायोकेमिस्ट्री में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकतर किसमें पाया जाता है? बायोमॉलिक्यूल्स में। और ये हमारा ओमनीपोटेंट फ्यूल इन बायोलॉजी में भी उपयुक्त होता है, बायोलॉजी में ओमनीपोटेंट फ्यूल के रूप में मिलता है।
अब बच्चा हम इसके आने पर अगर बात करें हम सोर्स के बारे में कि हमारा इसका सोर्स क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पर अगर हम सोर्स की बात करें, सोर्स यानी सोर्स सोर्स एंड स्टोरेज, सोर्स एंड स्टोरेज ऑफ प्लस प्लस डी ग्लूकोज इन बायो पॉलीमर्स, बायो पॉलीमर। तो बच्चे ये इसमें क्या रोल प्ले करेगा, तो बच्चे इसमें अगर हम स्टोरेज की बात करें, जो हमारा प्लस डी ग्लूकोज है, हम आप लोगों को फिर से बता दें कि जो हमारा प्लस बच्चे डी ग्लूकोज है, तो आपका इसका मतलब चल गया। और यहाँ पर बच्चे अगर प्लस हमारा मान लो यहाँ पर प्लस एल ग्लूकोज, तो बच्चे प्लस का मतलब डिस्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, जो प्लेन पोलराइज को यानी बच्चे डिस्ट्रो यानी क्लाक वाइज घुमा दे, यानी क्लाक वाइज अगर बच्चे रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट को, तो बच्चे हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और बच्चे डी हमारा नॉमिनक्लेचर है, जो हम लोगों ने अभी ही बताया था। और बच्चे यहाँ पर यल भी नॉमिनक्लेचर है इसमें, अगर बच्चे यहाँ पर माइनस होता तो लीवो रोटेटरी हो जाता। और बच्चे इसे हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में भी पढ़ेंगे भी। तो बच्चे अगर इसकी बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉमेन क्लेचर के लिए उपयुक्त होता है, नॉमेन क्लेचर। तो बच्चे डी एल हमारा नॉमेन क्लेचर के लिए उपयोग में लिया जाएगा। तो बच्चे ये था हमारा इसका अपना जो एक इम्पॉर्टेंट। और बच्चे ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, यानी कोज जो हमारा ओज लगा है बच्चे, ओज जो हमारा लास्ट में ओज है बच्चे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुगर से रिलेटेड है। तो बच्चे इसका सोर्स क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ, यानी बच्चे जो हमारा होगा सोर्स इसका क्या होगा, सोर्स यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ, इन प्लांट लीफ जिसमें क्लोरो बच्चे लोग लीफ है कौन सा होगा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा प्लांट लीफ में, यानी कार्बन प्लस वाटर मिलके बच्चे हमारा जो फॉर्म करेंगे वो ग्लूकोज होगा, फोटोसिंथेसिस यानी संश्लेषित होकर। तो बच्चे इस तरीके से हमारा ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म होगा। अब बच्चे अगर हम एक्सटर्नल इसमें एक्सटर्नल कंडीशन की बात करें, एक्सटर्नल कंडीशन, तो बच्चे जो इसमें एक्सटर्नल कंडीशन होगा प्लस डी ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो बच्चे उसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा यानी अगर बात करें हम लोग क्लोरोफिल यानी सनलाइट बच्चे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा बच्चे हमारा क्लोरोफिल हमारा दो इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे अगर क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg, यानी बच्चे जो हमारा क्लोरोफिल है इसमें जो मेटल आयन होता है बच्चे, मेटल आयन बच्चे हमारा Mg प्लस टू होता है। और एक बार डी ग्लूकोज यहाँ पर जो बच्चे डी ग्लूकोज हमारा है, जो प्लस डी ग्लूकोज इसमें अगर हम बात करें, ये हमारा स्टार्च यानी स्टार्च और बच्चे दोबारा से फिर से इन कन्वर्ट हो जा सकता हो सकता है, यानी बच्चे डी ग्लूकोज हमारा स्टार्च में कन्वर्ट होगा और स्टार्च फिर से हमारा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। और स्टार्च का बच्चे क्या काम होता है, यानी इन प्लांट सीड्स एज अ फूड, इन प्लांट सीड एज
आ फूड। और बच्चे ये हमारा क्या, इसमें ग्लाइकोजन में भी कन्वर्टेबल है, ग्लाइकोजन। और बच्चे अगर बात करें ग्लाइकोजन हमारा फिर से इंटर कन्वर्टेबल डी ग्लूकोज में हो सकता है, और बच्चे हमारा सेलुलोज में भी, सेलुलोज। और बच्चे दोबारा से हमारा सेलुलोज भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चे अगर हम बात करें नोट में, जो हमारा नोट होगा, नोट में अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारा जो डी ग्लूकोज इज इंटर कन्वर्टेबल इन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज। बच्चे अगर इसमें से हम ग्लाइकोजन की बात करें, तो बच्चे एनिमल स्टार्च है और ट्रांसपोर्टेड बट इन बायो ब्लड स्टोर इन लीवर, यानी बच्चे लोग अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो स्टोर किसमें होता है, लीवर में। और बच्चे यूजेज ऑफ बायो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज की हम बात करेंगे। यानी अगर हम बात करें इसमें यूजेज ऑफ बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज तो बच्चे अगर हम बात करें ग्लाइकोजन, जो हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, और बच्चे हमारा क्या है सेलुलोज, और बच्चे हमारा क्या है स्टार्च। अब बच्चे ग्लाइकोजन जो हमारा लॉन्ग टर्म यानी बच्चे लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर, लंबे समय के लिए बच्चे जो एनर्जी हमारा स्टोर हो सकता है लीवर में, लंबे समय की एनर्जी स्टोर किस में रहता है बच्चे, लीवर में, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का यही उपयोग कार्य होता है बच्चे लीवर। और बच्चे हम लोग यहाँ पर मसल्स की भी बात कर सकते हैं, मसल्स। और बच्चे सेलुलोज का क्या होता है, फूड, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर्ड इन लीवर एंड या मसल्स हो सकता है बच्चे, फूड यानी पोटैटोज, ब्रेड ETC, या फिर हम इसे राइस भी बोल सकते हैं, राइस, पोटैटो ब्रेड राइस, यानी इसका बच्चे यूजेज होता है, जो ग्लाइकोसेलुलोज का उपयोग इसमें क्या था, फूड में, जैसे कि पोटैटोज या ब्रेड या फिर राइस के लिए। स्टार्च का बच्चे जो हमारा स्टार्च होता है, सॉरी बच्चे हम पर सेलुलोज का उपयोग इसमें नहीं हो, स्टार्च का उपयोग इसमें होता है, स्टार्च का, यहाँ से हम बच्चे सेलुलोज को नीचे बता रहे हैं, हमारा सेलुलोज होता है। पेपर को बच्चे, पेपर जैसे, पेपर यानी मनी यानी इकोनॉमिक्स बच्चे ये क्या है, इकोनॉमिक्स। और बच्चे हमारा जो दूसरा है वुड, लकड़ी यानी शेल्टर, कॉटन फाइंस यानी बच्चे सेलुलोज का हम लोग यहाँ पर क्लॉथिंग में भी उपयोग करते हैं। तो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने उपयोग हैं इसके, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अब बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्लासिफिकेशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट का करेंगे, किस तरीके से बेसिस पे करेंगे और कितने टाइप के होंगे। तो बच्चे अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बस बच्चे आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।